कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में बुधवार को पहली बार बड़ी आंत के कैंसर की लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से सर्जरी की गई। इस जटिल ऑपरेशन को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला की टीम ने किया। इस ऑपरेशन को करने में डॉक्टरों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर संजय काला ने बताया कि इस सर्जरी में कई चुनौतियां थीं। इसको करने में पूरे 6 घंटे का समय लगा। इस जटिल सर्जरी को 55 इंच के मॉनिटर के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन इस अस्पताल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ऑपरेशन के लिए लोगों को मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर महिला आई थी। डॉक्टर संजय काला ने बताया कि 1 माह पूर्व हमारे पास यह महिला आई थी। महिला के पेट में अक्सर दर्द के साथ गैस बनती थी। इसके चलते उन्होंने कई जगह दिखाया तो पता चला कि बड़ी आंत के ऊपरी हिस्से में कैंसर है। इसके बाद इलाज को लेकर महिला व उसके परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो गए और इधर उधर डॉक्टरों के पास भटकने लगे। इसके बाद उन्होंने हेलमेट में दिखाया। महिला की दोबारा जांच की गई तो बड़ी आंत के ऊपरी नहीं बल्कि निचले हिस्से में भी कैंसर की बात सामने आई। इसके बाद डॉक्टर संजय काला ने उनका तत्काल उपचार शुरू कर दिया। 1 सप्ताह पहले ही महिला को भर्ती कर देखरेख करने के बाद बुधवार को पहली बार लेप्रोस्कोपिक के जरिए बड़ी आंत के कैंसर की सर्जरी की गई।